जैसे कि आपने देखा फ्रेंड्स, वीडियो में पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं और वैष्णवी को न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। आखिर क्यों ये लोग सड़क पर उतरे? आखिर क्या वजह थी? आखिर वैष्णवी के साथ में क्या हुआ? जानने के लिए बने रहिएगा पूरे वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी? ऐसे करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रख लेंगे। फ्रेंड्स, हमेशा मैं आप सभी को बस एक ही बात बोलती हूँ कि आजकल बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में, जहां पर लोग बेटियों को बहला फुसला कर उनको झूठे प्रेम के वादे करके उनको घर से भगाया जाता है, उनको ले जाया जाता है और उसके बाद में उनको कहीं कोठे पर, कहीं कहीं ऐसी जगह पर उनको बेच दिया जाता है जहां से वो वापस कभी अपने घर नहीं आ पाती हैं। बहुत ही खुशकिस्मत होती हैं वो लड़कियां जो जिनके कभी कोई रिलेटिव या कोई जानने पहचानने वाले मिल जाते हैं, या तो वो मदद से कॉल करवा के वहां तक उनके जो घर वाले पहुंच पाते हैं, उनसे मिल पाते हैं, नहीं तो पूरी जिंदगी उनकी ऐसे ही निकल जाती है। फ्रेंड्स, ये बहुत ज्यादा घटनाएं घट रही हैं हमारे समाज में। हमेशा यही बोलती हूँ, अपने बच्चों को समझाइए, अपनी बेटियों को। और यहाँ पर ये तो नाबालिग बेटी थी जो इसके साथ में ये जो घटना हुई है बेहद दुखद घटना है। बड़े बड़े लोग, बड़ी उम्र वाले बालिग लोग, एक घटना घटी थी दिल्ली में, एक लड़की आई थी जॉब के लिए और उस लड़की को चाय में नशीला पदार्थ मिलाया जाता है और वो नशीला पदार्थ, उसको नहीं पता था कि उसके चाय में नशीला पदार्थ मिला है। वो जैसे ही चाय पीती है वो बेहोश हो जाती है और उसके बाद में जब उसकी आंखें खुलती हैं वो अपने आप को कोठे में पाती है। उसके बाद में एक जब ग्राहक आता है उसके पास में, वो बोलती है कि साहब मेरी ऐसे ऐसे करके मदद कर दीजिए, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर फंसा के ले जाया लाया गया यहाँ पर। तब जाके वो ग्राहक उसके भाई को कॉल करता है और वो भाई वहां से आकर अपनी बहन जहां पर रहती थी कोठे पर ग्राहक बन के जाता है और अपनी बहन को ढूंढ निकालता है। उसके बाद में प्रशासन की मदद से अपनी बहन को उस दलदल से बाहर निकालता है। ये बहुत ज्यादा हमारे समाज में बहुत ज्यादा घट रहा है फ्रेंड्स, चल रही है, ऐसी घटनाएं हो रही हैं, तो ऐसी घटनाओं से सावधान हमें रहना चाहिए। और यहाँ पर आज की जो मैं आप सभी के समक्ष सच्ची घटना लेके आई हूँ, उत्तर प्रदेश के बरेली की है। बरेली में एक बेटी जिसका नाम वैष्णवी, 14 साल रहने वाली पड़ती है, चनेटा गांव, थाना पड़ता है कैंट, और बरेली की ये घटना है फ्रेंड्स। 14 साल की बेटी जो कि अपने स्कूल में जाया करती थी, वहीं उन्हीं का गांव का लड़का उस लड़की से बात किया करता था और उसको सपने दिखाए, उस लड़के ने हसीन सपने दिखाता है। 14 साल की महज उम्र, क्या आप क्या सोच सकते हैं क्या उम्र होती है? इस उम्र में बच्चे, यही उम्र होती है बनने और बिगड़ने की। अगर मैं यही बोलना चाहूंगी बस कि अपने बच्चों पर ध्यान दीजिएगा, उन पर नजर रखिएगा कि वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं। ये चीजें हम माता पिताओं को जरूर ध्यान देनी चाहिए। यहाँ पर ये जो बेटी थी वैष्णवी किशोरी, अपने स्कूल जाती है, उन्हीं के गांव का जो लड़का होता है शेखर मोड़, शेखर अपने उस लड़की को बहलाता है, फुसलाता है और उस लड़की को वहां से भगाने की कोशिश करता है और भगाने में वो कामयाब हो जाता है। 26 जून 2024 की घटना है। लड़की को वहां से भगाता है क्योंकि लड़की स्टेशनरी का कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाती है और उसी दौरान वो वहां से उस लड़की को बहला फुसला के ले जाता है। जब घर वालों ने देखा लड़की नहीं आई है वापस, तो उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो लड़की नहीं मिली। उसके बाद में उन्होंने फोन में रिकॉर्डिंग देखी जो कि जो लड़का था शेखर मौर्य पुत्र मूलचंद्र, उस लड़के से जो लड़की थी वो बात कर रही होती है रिकॉर्डिंग में। वो रिकॉर्डिंग ले जाके वो थाने जाते हैं पिता। पिता जब थाने जाते हैं, वीरेंद्र राठौर, वहां पर पुलिस को शिकायत दर्ज कराते कि ऐसे ऐसे करके मेरी बेटी को बहला फुसला के मेरे गांव का ही युवक ले गया है और हमारी शिकायत लिख लीजिए। तो वहां के जो दरोगा होते हैं वहां पर उनको डांट फटकार देते हैं और बोलते हैं कि अपनी बेटी को तो संभाला नहीं जा रहा है, संभाल नहीं सकते, और चले जाते हैं थाने रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए। ऐसा कहकर वहां पर उनके जो परिजन होते हैं उनके साथ में ऐसा व्यवहार किया गया। उसके बाद में वो वहां से चले जाते हैं। अगले दिन फिर जब उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है वहां पर, तो समाज के कुछ लोगों के साथ में वो वहां पर जाते हैं। जब समाज के कुछ लोगों के साथ में वहां पर जाते हैं FIR दर्ज कराने के लिए, तो 2 घंटे उनको वहां पर बिठाया जाता है। ऐसा जो लड़की के जो परिजन है उनका कहना है कि
पिता का कहना है कि 2 घंटे उनको बिठाया जाता, उसके बाद में उनकी FIR दर्ज की जाती है। पिता वीरेंद्र का कहना है कि उनकी बेटी के अपहरण के बाद में लगातार वे थाने के चक्कर काटते रहते हैं कि मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं होती है। उनको लगातार बस यही कहा जाता है कि आप हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। जो पुलिस कर्मी होते हैं वो यही बोल देते हैं वीरेंद्र को, एक पिता को, कि हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र जी का कहना है कि पुलिस का कहना था कि वे 15 जुलाई तक उनकी जो बेटी है उसको वापस सही सलामत वापस बरामद कर लेंगे। पुलिस का कहना था 15 जुलाई तक बेटी जो घर से गायब हुई है, जो गई है 27 जून को, और 15 जुलाई को वो वापस लेंगी, ऐसा उनका कहना था। लेकिन 15 जुलाई आने से पहले ही उनकी बेटी की हत्या कर दी जाती है और जो शव होता है रेलवे क्रॉसिंग के पास में वहां पर फेंक दिया जाता है। इसका जो लड़की का जो शव मिलता है पश्चिम बंगाल के हावड़ा स्टेशन के पास में, GRP के जो सिपाही होते हैं 2 जुलाई को उनको ये जो रेलवे के ट्रैक के किनारे उस लड़की का जब शव मिलता है तो सूचना दी जाती है। लड़की के घर वाले और पुरुष वहां पर पहुंचते हैं, बॉडी की शिनाख्त करते हैं, बॉडी ये वैष्णवी की होती है। उसके बाद में पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देते हैं। लेकिन यहाँ पर सोचिए फ्रेंड्स, ये जो कि घर वालों का मानना है, पिता का मानना है, माँ का भी रो रो को बस बुरा हाल है और माँ का यही कहना है कि अगर सही समय पर जिस समय वो थाने गए थे अपनी बेटी की FIR दर्ज कराने के लिए, अगर पुलिस ने उनकी सुनवाई अगर कार्रवाई सही समय से की होती तो आज शायद उनकी बेटी जीवित होती। क्योंकि 27 की घटना थी, वो FIR दर्ज कराने गए लेकिन उनकी कोई FIR नहीं लिखी गई, ना ही कोई सुनवाई की गई, बस बोल दिया गया, पहली बात तो ये बोल दिया कि अपनी बेटियों को नहीं संभाल सकते हैं और आ जाते हैं थाने में। वही बेटी अगर गायब हुई है, अगर कैसे भी उसको कुछ उसके साथ में गलत हुआ है तो वो जाएंगे आपसे न्याय की गुहार लगाने के लिए कि आखिर उनकी बेटी का पता लगाया जाए। और मेरा भी मानना है फिलहाल, घर वाले तो यही बोले, अगर समय सही समय पर, मैं भी यही बोलना चाहूंगी, अगर सही समय पर शायद इस बेटी को ढूंढने की तलाश करने की कोशिश की गई होती तो शायद ये बेटी जीवित होती। फिलहाल 2 जून को इस बेटी का शव मिलता है और जब शव मिला तो परिजनों का रो रो के बुरा हाल होता है। और जब परिजनों ने यही पुलिस पर भी आरोप लगाए हैं कि अगर इन लोगों ने सही समय पर हमारी सुनवाई की होती, हमारी बेटी को ढूंढा होता तो शायद ये आज मेरी बेटी जीवित होती। और जो ये जो लड़का था शेखर, ये 4 जून को, 2 जून को बेटी वहां पर की हत्या हो जाती है और ये 4 जून को यही इसी थाने में आकर अपने आप को वहां पर सरेंडर कर देता है आके 4 जून को। सोचिए फ्रेंड्स, बिल्कुल कोई वो नहीं, कोई डर नहीं, कुछ नहीं आके। फिलहाल घर वालों का कहना ऐसा है कि जो पुलिस है उन लोगों के साथ में मिले हुए थे, उनके पिता का कहना है कि उनकी साठ गांठ उनके साथ में चल रही थी और जब बेटा वहां पर बेटी की हत्या करके आ जाता है और यहाँ पर घर वालों की मदद से ये जो लड़का था शेखर यहाँ पर पहुंच जाता है, अपने आप को सरेंडर कर देता है जाके। लड़के का कहना है क्योंकि वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने जो पूछा लड़के से कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ सारी जानकारी ली, तो लड़के ने बताया कि जो लड़की थी, हम होटल जाते हैं कोलकाता में और वहां रुकते हैं, उसके बाद में हमारे पास पैसे खत्म हो जाते हैं, हमने लड़की को चलने के लिए बोला घर पर कि चलो घर चलो, तो लड़की वहां पर मना कर देती है, ऐसा उस लड़के का कहना है। उसके बाद में हम दोनों घर आ रहे थे बरेली के लिए, जब बरेली के लिए घर आ रहे थे तो हम दोनों ने ही ट्रेन से कूद गए दोनों, और ट्रेन से कूदने के बाद में मैं दूसरी तरफ गिरा, लड़की और कहीं गिरी जाके, और ऐसे करके मैं बेहोश हो गया। जब मैं उठा तो मैंने देखा लड़की वहां नहीं थी और मैं ट्रेन पकड़कर अपने घर वापस आ गया। ये लड़के के बयान है जो कि घर वालों के गले से नहीं उतर रहे। सच बात है फ्रेंड्स, कैसे उतरेंगे कि अगर कोई लड़का, अगर यहाँ प्रेम प्रसंग का मामला देखा जाए तो अगर कोई लड़का अगर किसी लड़की से प्रेम करता, अगर किसी को भगा के ले गया है, अगर वो लड़की कूदी है या जो भी हुआ है उसके साथ में, उस लड़के के बयान है, तो उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता, ना कि उसको ऐसे ही छोड़ के अपने घर चलाता। ये बहुत ज्यादा एक मुझे लगता है कि कार्रवाई का विषय है, उस पर पूरी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। आखिर क्या हुआ, आखिर क्या किया उस लड़की, घर वालों ने यही आरोप लगाया है कि लड़की के साथ में दुष्कर्म हुआ है, गलत हुआ है लड़की के साथ में। एक चीज और है फ्रेंड्स कि आखिर एक लड़का बरेली का रहने वाला, वो पश्चिम बंगाल तक उसका कनेक्शन कैसे, कोलकाता ही क्यों गया,
और जगह क्यों नहीं। घर वालों का कहना है कि इसके साथ में और भी गांव के जो लोग हैं वो भी जुड़े हुए हैं, बिना किसी हेल्प के, बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता से कोई व्यक्ति पश्चिम बंगाल नहीं जा सकता है, ये सत्य है। तो इस पर जो है निष्पक्ष रूप से सही से जांच होनी चाहिए ताकि और भी और किसी बहन बेटी को ये जो इस बेटी वैष्णवी के साथ में हुआ वो और किसी के साथ ना हो और ये जो वैष्णवी को न्याय मिल सके फ्रेंड्स। क्योंकि मेरा यही मानना है, क्योंकि आज तक जितनी भी मैंने स्टोरियां देखी है, बहुत सारी घटनाएं न्यूज में भी आप देखते होंगे कि लोग इस प्रकार से लड़कियों को जो कम एज की, और कम एज की लड़कियों को वो अपना शिकार इस वजह से बनाते हैं क्योंकि कम एज होती है, वो जैसा बोलते हैं उनका ब्रेन वॉश करते हैं और वो लड़कियां बहुत जल्दी बातों में आ जाती हैं, उनको इस कदर प्रेम जाल में फंसा लेते हैं कि फिर उनको लगता है कि हाँ इससे अच्छा कुछ नहीं है, और फंसा के उनको ऐसी ऐसी जगह भेज देते हैं जाके जिससे वो दोबारा फिर कभी अपने घर नहीं आ पाती। इस मामले में मुझे ऐसा लग रहा है देखते हुए इस मैटर को कि रिकॉर्डिंग थी, जिस लड़के से बात करती थी रिकॉर्डिंग थी, घर वालों को पता चला या जो भी हुआ होगा, इस लड़के ने वहां पर इस लड़की के साथ में गलत किया और उसकी हत्या कर दी, उसके बाद में अपने आप को सरेंडर कर देता है। इसके तार और कहीं भी जुड़े हो सकते हैं अगर पुलिस इस पर सही से जांच करे, और तो मुझे लगता है कि इस लड़की को न्याय भी मिलेगा और भी बहुत सारी बेटियों को ऐसे लोगों से बचाया जा सकता है। फ्रेंड्स आपके क्या विचार है इस पर कमेंट जरूर करिएगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी भाई, पुलिस का जो रवैया यहाँ पर बहुत ही गलत है। जैसा कि एक चीज़ तो मैंने देखी है समाज में, अगर यही मामला किसी हाई प्रोफाइल का होता तो यहाँ पे तुरंत मोबाइल ट्रेस किया जाता, रिकॉर्डिंग थी, सबसे बड़ा सबूत रिकॉर्डिंग थी, रिकॉर्डिंग को तुरंत वो किया जाता कि हाँ कहाँ पर क्या, और घर वालों को तुरंत रिमांड पे लिया जाता लड़का कहाँ गया है कहाँ नहीं गया है। लेकिन नहीं, यहाँ गरीब का मामला था, गरीबों को कोई नहीं सुनता है फ्रेंड्स, ये कड़वा सत्य है। लेकिन क्या बोल सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सच्चाई है इसको स्वीकार करना पड़ेगा। फ्रेंड्स आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। बस मैं यही बोलूंगी जो पीड़िता है, जो वैष्णवी है, उसको न्याय मिलना चाहिए। फ्रेंड्स आपके क्या विचार हैं कमेंट जरूर करिएगा। राधे राधे।